हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? वेलकम टू प्रीतिस किचन। आज मैं आपके साथ ये पिनव्हील सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जाने वाली हूँ। इसके साथ एक स्पेशल चटनी बनेगी, वो भी देखना, नहीं तो प्रॉपर सैंडविच नहीं बनेगी। इसके लिए मैंने कोथमीर ले लिए, थोड़े से पुदीना के पत्ते डाल रही हूँ, थोड़ा सा मिर्ची डाल रही हूँ 3 से 4, आधा इंच अदरक का टुकड़ा घिस के डाल रही हूँ, शिमला मिर्ची डाल रही हूँ, कड़ी पत्ता थोड़ा सा डालेंगे हम लोग, एक ब्रेड की स्लाइस डालेंगे, टुकड़ा करके डालेंगे, एक ही स्लाइस बस हो जाएगी, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और थिकनेस भी रहेगी। साथ ही साथ थोड़ा सा शक्कर डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधे नींबू का रस डाल रही हूँ, 1 से 2 बड़ा चम्मच जितना दही डालना है हम लोगों को, 1 वाटी छोटा सा 2 चम्मच जितना फरसान नमकीन, आपके पास जो भी अवेलेबल रहेगा आप वो डालिए। देखो ऐसे चटनी मैंने रेडी कर ली है। अभी क्या करना है हम लोग ने, मेयोनीज लेना है। यहाँ पे 1 से 2 चम्मच जितना मेयोनीज हम लोग को लेना है और उसमें अपने को ग्रीन चटनी जो हमने अभी बना के ली ना वो मिक्सअप करना है। बहुत मस्त लगती है सैंडविच, और आप सफर वगैरह में भी जा रहे हो ना तो इसको बना के लेके जा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। देखो मेयोनीज के साथ वो ग्रीन चटनी मैंने रेडी कर ली ऐसे करके। अभी क्या करना है, ब्रेड लेना है। यहाँ पे मैं ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहिए तो व्हाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, कोई भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ऐसे साइड कट करके लेंगे, सारे के सारे साइड कट करके लेंगे। फिर ये ब्रेड जो रहेगी ना, ऐसे मैंने 3 ब्रेड रेडी की है, आपको भी 3 ब्रेड रेडी करनी है सभी को। और फिर ऐसे थोड़ा सा बेल के लेना है इसको, ज्यादा नहीं जोर लगा के बेलना है, हल्के हाथों से थोड़ा सा देखो पतला करके लेना है ब्रेड को। अभी इनको सबको एक दूसरे पे चिपकाने के लिए थोड़ा सा बटर यूज करेंगे हम लोग, इसके साइड्स पे बटर लगा के एक एक ऐसे सैंडविच रखते जाएंगे, जिससे ब्रेड की स्लाइस रखते जाएगी, जिससे क्या होगा स्टिक हो जाएगा, बटर की वजह से ब्रेड एक दूसरे में चिपक जाएगी और रोल बनने में आसानी होगी। देखो ऐसे मर के मैंने 3 ब्रेड रेडी कर लिए, देखो 1 2 3। अभी क्या करेंगे हम लोग, इस पे ऐसे रेडी कर लेंगे ना, और इसके साइड्स जो रहेंगे ना आपको वो फेंकने नहीं है, उसको सुखा के आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हो, उसके जो साइड्स निकले ना वो। अभी हमने जो मेयोनीज वाला ग्रीन चटनी रेडी किया था ना वो इसके ऊपर लगा देंगे, एक पतला सा लेयर लगाना है, ज्यादा मोटा लेयर नहीं लगाना है। ये बहुत ही यमी सैंडविच बनती है, आप इसको बना के रख भी सकते हो, आपको जब भी कोई गेस्ट वगैरह है ना तभी भी आप सर्व कर सकते हो एज अ पार्टी स्टार्टर, या फिर रात के डिनर वगैरह में भी ले सकते हो। अभी थोड़ा सा गोभी मैंने कद्दूकस करके लिया हुआ था वो इसमें डाल रही हूँ, साथ ही साथ गाजर को मैंने घिस के लिया था, कद्दूकस कर लिया था वो भी डाल रही हूँ थोड़ा सा। आप अपनी पसंद के कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हो, साथ ही साथ शिमला मिर्ची डाल रही हूँ। और इसमें हमें ना ही गैस चलाना है, कुछ भी नहीं करना है, विदाउट फायर ये हमारी समस्त सी पिनव्हील सैंडविच रेडी हो जाएगी। और एक टाइट रोल लगाना है, देखो सारी सब्जी आपकी डाल के हो जाएगा ना, फिर ऐसे पकड़ते हुए एक टाइट रोल लगाएंगे, ऐसे टाइट रोल हाथों की मदद से प्रेस करोगे ना तो हो जाएगा। फिर क्या करना है, मैं एक एल्यूमिनियम फॉइल ले रही हूँ, आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल ना हो तो बटर पेपर लीजिए, और बटर पेपर भी ना लो ना तो कोई भी प्लास्टिक की शीट थैली जो रहते है ना उस पर आप थोड़ा सा फैला दीजिए और फिर ऐसे रोल जैसा बना दीजिए, और फिर वो रोल रेडी करके आपको फ्रिज में रखना है रोल को कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप ज्यादा टाइम भी रख सकते हो, ज्यादा टाइम रखोगे तो भी ये सैंडविच सॉफ्ट की सॉफ्ट बने रहेगी, क्योंकि इसमें हमने मेयोनीज का इस्तेमाल किया है इसीलिए। देखो फिर 10 मिनट के बाद आप फ्रिज से जब भी निकालोगे ना ये रोल, फिर ऐसे आधे आधे इंच के गैप में आप सैंडविच को ऐसे कट करोगे ना तो बहुत मस्त पिनव्हील सैंडविच आपकी रेडी हो जाएगी। अभी आगे और भी थोड़ा मसाला करना है, देखो आधे आधे इंच पे अपने को इसको करके रहना है ऐसे, कट्स लगा देंगे सारे के सारे। यहाँ पे मैं आपको एक बात याद दिला दूँ, आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इतनी अच्छी और इजी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूं। देखो मस्त, और ये आप बच्चों का कंपटीशन रहेगा ना, स्कूल कंपटीशन, उसमें भी आप लगा सकते हो, रख सकते हो। देखो थोड़े से मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा ब्लैक पाउडर, काला मिरी का पाउडर रहता है ना वो मैं डाल रही हूँ। देखो कितनी मस्त हमारी पिनव्हील सैंडविच रेडी हो चुकी है, आप भी एक बार जरूर ट्राई करिए।